वैसाखी महापर्व के मौके पर शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए 7 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दलजीत सिंह चीमा को गुरदासपुर से चुनाव मैदान में उतारा गया। श्री आनंदपुर साहिब से पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदू माजरा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। पटियाला से शिरोमणि अकाली दल के हिंदू चेहरे एनके शर्मा पर दाव खेला है। अमृतसर से पूर्व मंत्री अनिल जोशी, फतेहगढ़ साहिब से बिक्रमजीत सिंह खालसा, फरीदकोट से राजविंदर सिंह और संगरूर से इकबाल सिंह झुंडा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष एस सुखबीर सिंह बादल ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। अकाली दल की ओर से उम्मीदवारों की ये पहली सूची जारी की गई है। इस बार सबकी निगाहें संगरूर पर टिकी होंगे। शिरोमणि अकाली दल ने संगरूर सीट पर राजनीतिक दिग्गजों को चौंका दिया है, क्योंकि ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि टकसाली नेता सुखदेव ढींडसा के बेटे परमिंदर ढींडसा को इस सीट से उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन इस अब ऐसा नहीं हुआ, बल्कि संगरूर से इकबाल सिंह झुंडा को इस सीट से मौका दिया गया है। अब देखना होगा कि ढींडसा परिवार की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। शिरोमणि अकाली दल ने उम्मीदवारों के नामों के ऐलान में जातीय समीकरण पर विशेष ध्यान रखा है। इस बार अकाली दल ने 2 हिंदू चेहरों को मैदान में उतारा है। सूत्रों का कहना है कि अगली सूची में जलंधर से हिंदू चेहरे को ही उम्मीदवार बनाया जा सकता है। शिरोमणि अकाली दल प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा पर भरोसा जताया है। चंदू माजरा इस सीट से लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन एक बार फिर शिरोमणि अकाली दल ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें, पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होंगे। पंजाब में अंतिम चरण में मतदान होना है।